5 लाख रुपए ऑन टेबल नेगोशिएबल, मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसी ब्यूटी की डील कोई दे पाएगा। अच्छा ये 5 लाख पे अभी नेगोशिएबल और है उसके पास? भाई बिल्कुल तबीयत का, चाहे आके 2 लाख रुपए ऑफर लगाओ, मूड में बैठाऊंगा, दे भी दूंगा, मैं तो ऐसे नेचर का आदमी हूँ। थोड़ी सी इंग्लिश इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो साउथ के लोग हैं ना, तेरे चैनल के ऊपर कई बार कमेंट्स आते हैं, मैं पढ़ता हूँ कि गोल्डी भैया प्लीज इंग्लिश में बताइए, तो दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग टू इंग्लिश कि ब्रो बोथ आर बाइक्स आर वेरी गुड कंडीशन रिसेंटली सर्विस, प्लीज कम टू माय शोरूम एंड टेक द बाइक एंड यार बंद कर यार। हाँ जी बादशाह, 5 लाख का सुपर बाइक वो भी डुकाटी का चाहिए? आज की डेट में आपका ये सपना पूरा करने वाला हूँ। और ये जो बाइक्स है ना, ये बहुत ही प्रैक्टिकल बाइक्स है। सो वेलकम टू इंजीनियर सिंह चैनल दोस्तों, आप सभी का करता हूँ एक बार फिर से स्वागत। वहीं बैठे हैं हम सुपर बाइक्स वर्ल्ड में। जैसा कि इससे पहले वाला आपने एक वीडियो देखा हुआ था, वो था आपके सुपर बाइक जो आपके हायाबूसा है उनका स्पेशल लाइनअप जिसमें हमने दिखाई थी 5 हायाबूसा। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो जल्दी जाइए वो वाला वीडियो देखिए, बहुत ही ऑसम वीडियो है। आज जो है डिमांड आ गई डुकाटी की। डुकाटी भैया एक यहां पे स्क्रैम्बलर खड़ा हुआ है और एक यहां मॉन्स्टर खड़ा हुआ है, दोनों ही बहुत ज्यादा जबरदस्त बाइक है। और प्राइस जो रहने वाला है वो तो बहुत ही ऑसम रहने वाला है, स्पेशल रहने वाला है। जैसा कि आपको टाइटल या फिर आपका जो आपका थंबनेल होता है उसे देख के पता लग गया होगा। तो ऐसा है भैया, मैं क्यों बोल रहा हूँ इनको प्रैक्टिकल बाइक्स, एक्चुअली क्या होता है ना यार, ये जो दोनों बाइक्स हैं ना ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल क्योंकि ये ऑफ रोडिंग भी कर लेते हैं इजीली, स्ट्रीट्स में भी इजीली निकाल सकते हो आप। अगर आपने हायाबूसा ले लिया एक मान लो, तो अगर आपको दूध लेने जाना है ना बहुत पास है, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि हाँ मैं अपना हायाबूसा निकाल लूँ। ये ना एक बहुत इंडियन मेंटेलिटी भी बोल सकते हैं और वैसे भी एक प्रैक्टिकलिटी है ये। मतलब अगर आपको थोड़ी जगह के लिए जाना है ना तो आप एक छोटा बाइक अपने पास रखते हो, उन्हीं के काम ये सुपर बाइक्स आ सकते हैं। इनके साथ आप मॉर्निंग राइड्स भी कर सकते हो, इनको आप स्ट्रीट्स में भी चला सकते हो, इनके साथ आप चाहे तो फिर लेह लद्दाख भी कर सकते हो। आपका अगर मन कर रहा है शिमला निकल जाओ, तो इसकी गद्दी इस तरह की होती है, इसका सिटिंग पोस्चर इस तरह का होता है कि बैठ के मजा आ जाता है। बाकी यार आज हम जो है इस बाइक का रिव्यू देने नहीं आए, तो रिव्यू अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। हाउएवर आज आपको बताने वाले हैं इनका सब कुछ, कब का मॉडल है, कैसा है, क्या इसकी डील पड़ेगी एंड क्या फाइनेंस हो जाएगा, वो भी आपको बता दिया जाएगा। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, पहले सिनेमैटिक्स दिखा दें फिर करते हैं अपने गोल्डी भैया से बात। की जड़ियां हैं हाई सुपर बाइक लवर्स, एक बार हो रहा आज आपके अपने गोल्डी भैया इंजीनियर सिंह साहब के चैनल के ऊपर, हैरी भाई के चैनल के ऊपर। हाथ जोड़ के सभी भाइयों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, मेरी लास्ट वीडियो के लिए आपने इतना प्यार दिया मेरी हायाबूसा वाली, उसके जब मैंने कमेंट्स पढ़े तो मुझे सच में एक अंदर से ऐसा प्राउड फील हुआ कि यार सच में इसके चैनल के ऊपर जो बातें मैंने उस दिन बोली थी वो बातें आप लोगों ने बहुत मोहब्बत दी, आप लोगों ने इतना शेयर मारा उस वीडियो को कि आज वो मेरे को लग रहा है इतनी ज़्यादा जो चली है हैरी वो वीडियो हमारी सिर्फ इन लोगों के प्यार की वजह से चली। वो तो ऑब्वियसली भाई हैरी भाई आज हम अपने जितने भी व्यूवर्स हैं उनके लिए बड़ी प्यारी दो ब्यूटीज लेके आए हैं, क्योंकि दिल्ली में सेम काउंटर किसी भी काउंटर के ऊपर सेम डुकाटी की स्कैम्बलर और डुकाटी की मॉन्स्टर नहीं मिलती। तो आपने वॉकआउट दिखाई दिया सारा, सिनेमैटिक्स दिखा दिए हैं, क्या मेरे से पूछना चाहते हो, क्योंकि टायर्स आपने देख लिए रिसेंटली सर्विस जो है वो आपने सब देख लिए ना। 2015 मॉडल है, ठीक है जी, दिल्ली नंबर है, 28,000 किलोमीटर रनअप है, ठीक है, और
थर्ड ऑनर बाइक है, मैकेनिकल ब्रांड न्यू है, एग्जॉस्ट इस गाड़ी में लगे हुए हैं, वो आपने इनको दिखा दिए हैं। मैकेनिकल गाड़ी की मेरी गारंटी है, टायर्स की मेरी गारंटी है, 6 मंथ मांगे 1 ईयर मांगे। टेक्निकल कोई भी प्रॉब्लम आती है, टेक्निकल हम लोग बोलते हैं इंजन और गियर को, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है उसमें मैं अपने भाइयों के साथ स्टैंड खड़ा हूँ, जो भी मुझसे डील लेके जाएगा। टायर्स, डिस्क पैड, क्लच, 1 घंटे की गारंटी नहीं है कि कोई बर्न आउट मारता है, कोई विली मारता है, मुझे नहीं पता कैसी राइड करता है। टेक्निकल कोई भी प्रॉब्लम आएगी मैं अपने ब्रदर्स अपने भाइयों के साथ खड़ा हूँ। 5 लाख रुपए आस्किंग है, ऑन टेबल नेगोशिएबल है, दिल्ली नंबर है, थर्ड ऑनर है, मांगने वाले ब्रोकर्स बहुत कुछ मांगते हैं, बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं, 5 लाख रुपए ऑन टेबल नेगोशिएबल, मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसी ब्यूटी की डील कोई दे पाएगा। अच्छा, ये 5 लाख पे अभी नेगोशिएबल और है भाई, बिल्कुल तबीयत का। अच्छा, चाहे आके 2 लाख रुपए ऑफर लगाओ, मूड में बैठाऊंगा, दे भी दूंगा, मैं तो ऐसे नेचर का आदमी हूँ। अच्छा, मैं पैसे नहीं कमाने के लिए दुकान खोल रखी, ये शोरूम, जितने भी सब्सक्राइबर हैं बड़े ध्यान से सुनना, ये शोरूम आप लोगों की मोहब्बत के लिए खोल के बैठा हूँ। पैसा कमाने के 1000 रास्ते हैं मेरे पास, लेकिन ये बाइक के सिर्फ एक अकेला रास्ता नहीं है। दिल का आदमी हूँ, दिल से बात करता हूँ, दिल समझ आना चाहिए। जब दिल से दिल मिलते हैं तो दिल की बात बाहर आती है। आ जाओ और दिल की चीज ले जाओ। नेगोशिएबल है, 5 लाख रुपए मौके पे 4, 4.5, 4.5 जहां भी होगी डील बना के दूंगा। ऐसे ही मेरी रेड ब्यूटी खड़ी है, मॉन्स्टर बताने की जरूरत नहीं है, मॉन्स्टर ऐसी खतरनाक बाइक होती है। 795 यार, मेरे से हैरी ये गलती हो गई यार। क्या हुआ? मैंने मॉन्स्टर के एग्जॉस्ट समझ के इसके बोल दिए एग्जॉस्ट लगे हुए, जबकि इसमें स्टॉक एग्जॉस्ट है। अच्छा, इसके अंदर एग्जॉस्ट लगे हुए हैं, तो मैं अपनी मिस्टेक इसी वीडियो में प्यार से हाथ जोड़ के माफी मांग के बता रहा हूं, ये स्टॉक एग्जॉस्ट है। कमेंट करने से पहले भाई देख लेना, भैया ने बोल दिया पूरी वीडियो। ये हमारे पास डुकाटी की मॉन्स्टर खड़ी है, सेम 2015 मॉडल है। अच्छा, थर्ड ऑनर है, H451 फरीदाबाद नंबर है। ठीक है जी, मैं हमेशा दिल्ली नंबर में डील करता हूँ। ये हमारे कोई भैया आए थे, उनको मैंने अपनी बेनली GT दी थी मेरे पास जो खड़ी थी, ठीक है, तो उनसे एक्सचेंज में गाड़ी ली गई थी। अच्छा, तो ये मेरे पास खड़ी है, इसका भी जो हमारी ये जो चली है ये चली बहुत कम है, ये 10-11 हज़ार किलोमीटर सारी गाड़ी चली हुई है। अच्छा, टायर्स इसके भी नए डाल दिए हैं रिसेंटली सर्विस जसपाल जी के यहाँ, जैसे मेरा सिस्टम है मैं कर देता हूँ, वो मैंने कर रखा है। इसके अंदर एग्जॉस्ट जरूर लगे हुए हैं, आस्किंग 5 लाख रुपए ऑन टेबल नेगोशिएबल, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा नेगोशिएट करके मुझसे डील ले जाओ। ठीक है, कुछ आपके मन में क्वेश्चन? पाजी मेरे मन में सिर्फ एक क्वेश्चन है इनको रिगार्डिंग, जो मैंने हायाबुसा वाले वीडियो में भी नहीं पूछा, तो कमेंट्स बहुत सारे आए थे फाइनेंस के रिलेटेड, क्या गोल्डी भैया फाइनेंस करते हैं? फाइनेंस और दिल्ली से बाहर वालों के फाइनेंस, क्योंकि मैंने एक अपनी चैनल पे वीडियो में बोला था कि पैन इंडिया फाइनेंस मैं करता हूं। मैं फाइनेंस उसी सूरत में करता हूं जिसकी 5 चीजें पूरी होंगी। ठीक है, अगर उनकी ये 5 चीजें पूरी नहीं है तो प्लीज ना मुझे मैसेज करें ना मुझे कॉन्टेक्ट करें, क्योंकि मैं फोन नहीं पिकअप कर पाता। अगर आपकी 5 चीजें पूरी है मेरे व्हाट्सएप के ऊपर आप डाल दें, मैं 2 दिन में आपको रिवर्ट दूंगा कि आपका लोन होगा कि नहीं होगा। आपका इनकम प्रूफ, इनकम प्रूफ के अंदर आपकी सैलरी स्लिप चाहिए 3 महीने की अगर आप सैलरीड हैं, और अगर आप पर्सनल बिजनेस करते हैं तो आपकी 2 साल की इनकम टैक्स रिटर्न मुझे चाहिए। आपका पैन कार्ड चाहिए, आपका आधार कार्ड चाहिए, आपकी 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए जिसमें कोई भी चेक किसी का भी बाउंस नहीं होना चाहिए, कोई क्रेडिट कार्ड का लफड़ा नहीं होना चाहिए, कहीं आपकी किसी के साथ सेटलमेंट नहीं हुई होनी चाहिए, और साथ में 2 फोटोग्राफ व्हाट्सएप पे डालो, रिप्लाई ले लो 98102909092909090909 मेरा नंबर है। दोनों 15 मॉडल हैं, आस्किंग प्राइस बोथ आर 5 लाख रुपीज, ऑन टेबल नेगोशिएबल। दिस इज बाइक इज 11,000 किलोमीटर रन अप, दिस बाइक इज 28,000 किलोमीटर रन अप। थोड़ी सी इंग्लिश इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो साउथ के लोग हैं ना, तेरे चैनल के ऊपर कई बार कमेंट्स आते हैं, मैं पढ़ता हूँ कि गोल्डी भैया प्लीज इंग्लिश में बताइए, तो दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग टू इंग्लिश कि ब्रो बोथ आर बाइक्स आर वेरी गुड कंडीशन रिसेंटली सर्विस, प्लीज कम टू माई शोरूम एंड टेक द बाइक। एंड यार बंद कर यार, चल करता क्या? तो आइए अपनी डील को अपने छोटे भाई गोल्डी से क्रैक करके ले जाइए। हैरी भैया कुछ और क्वेश्चन? फाइनेंस से रिगार्डिंग हमने बता दिया। डाउन पेमेंट कितनी देनी पड़ेगी बाबू? हाँ, ये क्वेश्चन यार बड़ा ही खतरनाक है कि डाउन पेमेंट। अच्छा देख हैरी, तू भी इतने टाइम से काम कर रहा है बाइकों का, इंजीनियरिंग की आपको नॉलेज है, आप ये बताओ, ये मेरा क्वेश्चन आपसे है, आपकी जनता के लिए नहीं है, कि जब तक मेरे पास प्रोफाइल नहीं आएगी मैं डाउन पेमेंट कैसे बताऊं? क्योंकि मैं उसका एक रीजन है, आपने ये 100% बाइक खड़ी है 5 लाख की, ठीक है जी, प्रोफाइल के ऊपर ही तो डिपेंड करेगा कि बैंक आपको 60% देता है, 65% देता है, 80% देता है। मैं कैसे बता दूंगा डाउन पेमेंट क्या होगी? मैं बोल दूंगा 5 लाख की गाड़ी है, आप 1 लाख डाउन पेमेंट दे दो, 4 लाख लोन हो जाएगा। अब आपकी प्रोफाइल आई, प्रोफाइल देख के बैंक वाला कहता है इसका तो मैं 2.5 लाख से ज्यादा लोन ही नहीं दे सकता, तो मैं डाउन पेमेंट कहां से बताऊं? एग्जैक्टली फ्रेंड्स, तो काफी बार मेरे को ये चीज का क्वेश्चन आता है कि भैया आपने तो उसको 1 लाख रुपए में दे दिया था, डाउन पेमेंट में करवा दिया, कई हमारे को वहां पे बोल रहे कि 2 लाख रुपए तो नहीं होगा।
प्रोफाइल। और अच्छा ये बात एक खाली गोल्डी भैया के लिए नहीं है, हिंदुस्तान के किसी भी ब्रोकर को फोन करने से पहले आप ये बात अपनी प्रोफाइल देख लो कि आपकी प्रोफाइल, क्योंकि क्यों किसी को परेशान करना है, आप लोगों को मैसेजेस डालते हो वो आपको रिप्लाई नहीं करते, आपको गुस्सा आता है, वो रिप्लाई इसलिए नहीं करते, सारे ब्रोकर्स की तरफ से बोल रहा हूँ आज मैं, सारे शोरूमों के मालिकों की तरफ से बोल रहा हूँ जितने भी हिंदुस्तान में शोरूम है, कि जब तक आपकी प्रोफाइल सीवी वो चेक नहीं कराएगा बैंक में आपको डाउन पेमेंट नहीं बता सकता। तो अगली बार ऐसा क्वेश्चन पुट अप करने से पहले अपनी प्रोफाइल चेक करें, उसके बाद हमारे से डाउन पेमेंट पूछे। जी एक्चुअली क्या है ना, मैं आपको भी एक चीज बताना चाहूंगा कि आपका अपना बैंक भी आजकल पर्सनल लोन्स दे रहा है, तो आप उनसे ज्यादा बेटर है, वो ज्यादा बेटर है। उसमें आप बॉन्ड नहीं होते हैरी, बॉन्ड कैसे नहीं होते, देखो गाड़ी आपने पीएल ले लिया, ना आपने नाम कराने की जरूरत है, ना टेंशन लेने की जरूरत है, बायबैक में 6-8 महीने चलाओ, एफिडेविट जो हमारा सिस्टम है एग्रीमेंट का वो करेंगे, आपको बाइक दे देंगे, कार दे देंगे, एंजॉय करो, ले जाओ और जितने दिन चलानी चलाओ, अपने पीएल हमारे को आरटीजीएस मारना, अपना आरटीजीएस फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले रिटर्न ले लेना, क्या प्रॉब्लम है उसमें, डील करो ना। इतना प्यार हम दोनों को देने के लिए, शोरूम को देने के लिए, बाइक्स को देने के लिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।